नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध पत्रकार एवं स्तंभकार बलबीर पुंज जी, जो कि राज्यसभा के दो बार सांसद रह चुके हैं। आपका स्वागत है बलबीर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी एक नई पुस्तक की, जिसका नाम है विमर्श का माया जाल। नहीं, मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं। इस पुस्तक का नाम है नैरेटिव का माया जाल, कौन है हम, क्या है हमारी पहचान। जी, ये पुस्तक आपके पास हो तो आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जी, ये नैरेटिव का माया जाल, जैसे नैरेटिव को हिंदी में हम विमर्श ही कहते हैं, और तो ये नैरेटिव का जो माया जाल है बलबीर जी, ये बताएं कि ऐसा अधिकतर राष्ट्रवादी लोग 9 वर्ष की राष्ट्रवादी सरकार के बाद उनको यह अनुभव हो रहा है और उनको यह प्रतीत होता रहता है कि राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो नैरेटिव स्वयं का स्थापित करने में बड़े दुर्बल पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में इस चर्चा को जब आरंभ की आपने और आपको एक जो कंफ्यूजन हुआ, भ्रम हुआ, पहले आपने कहा कि विमर्श का माया जाल, फिर नैरेटिव का माया जाल, तो मैं आपको उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा। वास्तव में ही इस पुस्तक का जब शीर्षक का चयन करने की बात हुई तो पहले इसका शीर्षक और जो चर्चा में भी आया वो विमर्श का माया जाल ही था। तो आप ठीक थे जब आपने मेरे कहा। मेरे पास भी यही संदर्भ आया था। हाँ, यही संदर्भ, और मेरे पास जो पोस्टर आया था उस पे भी यही लिखा हुआ था। तो मैं उस कंफ्यूजन को समझ रहा हूँ और उस कंफ्यूजन में ही इस पुस्तक की सार्थकता छिपी हुई है, क्योंकि ये जब पुस्तक लिखी जा रही थी तो बेसिकली मूलतः ये नैरेटिव को ठीक रखने के लिए की जा रही थी। और इस पुस्तक में कम से कम मेरे ख्याल 300-400 बार नैरेटिव शब्द का प्रयोग भी हुआ। पर जब पुस्तक का टाइटल देने की बात हुई, पुस्तक मुद्रित हो रही थी, प्रकाशन में थी, तो नाम क्या रखा जाए। और नाम की चर्चा करते करते हम जा पहुंचे विमर्श शब्द पर कि विमर्श रखा जाए, क्योंकि नैरेटिव का हिंदी अनुवाद कहें या समान अर्थ कहें तो वो हिंदी में नैरेटिव का जिसे कहना चाहिए विमर्शी होगा। परंतु जब सुधीजनों से चर्चा हुई तो बहुतों ने कहा कि नैरेटिव का समकक्ष शब्द हिंदी में विमर्श नहीं हो सकता है। और फिर मैंने खोजबीन की तो समझ में आया कि भाषा की भी सीमाएं होती हैं। भाषाएं जो होती हैं, जिस जगह विकसित होती हैं वहाँ की संस्कृति के से, वहाँ के मनोभावों से बंधी होती हैं, वो उसकी सीमाएं होती हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत में हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म का उपयोग करते हैं और इस तरह से निर्वाण का उपयोग करते हैं, पर अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहें तो अंग्रेजी में उसके समकक्ष कोई शब्द नहीं है। लोग बहुत बार धर्म का ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं रिलीजन, वो बिल्कुल नितांत रूप से गलत है। और इसलिए अंग्रेजी के जो समझदार लोग थे उन्होंने हिंदी के इन शब्दों को जस के तस अपने अंग्रेजी के शब्दकोश में रख लिया, क्योंकि ये जो भाव हैं, योग का कल्पना जो है, धर्म की संकल्पना है, ये अवधारणाएं पश्चिमी सभ्यता में है ही नहीं। इसी तरह से नैरेटिव नाम की जो अवधारणा है उसका समकक्ष शब्द भारतीय सभ्यता में नहीं है। और विमर्श एक विकल्प है, पर वो उस बात को पूरी तरह से मेरे हिसाब से और बहुत विद्वान जनों के हिसाब से, उनके हिसाब से ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो असल में है क्या कि हम लोग जानते हैं सत्य और असत्य को, हम सच और झूठ को जानते हैं। नैरेटिव एक विधा है, माइंड मैनेजमेंट का एक टूल है। और नैरेटिव का उपयोग जो है
वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब आप तथ्यों के साथ उनको तोड़ते मरोड़ते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनके साथ आधा झूठ मिला देते हैं, कई बार पूरा ही झूठ करते हैं, उनको परोसते हैं, और परोसते हुए आपका एक विशेष उद्देश्य होता है। आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप मूलतः सूचना को इस हिसाब से, तथ्यों को इस हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं कि आपका जो एजेंडा है, आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। और चूंकि ये पुस्तक जो थी वो अंग्रेजी काल के अंदर जिस तरह का नैरेटिव के साथ खेल किया गया, कालपेल किया गया, उसके संबंध में थी, तो हम वहां तक जा पहुंचे। अब हुआ क्या कि 1857 की क्रांति जो थी वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक थी, उनको बहुत धक्का लगा और वो सत्ते में आ गए। वो सोचते नहीं थे कि भारत के अंदर भी इस तरह का विद्रोह हो सकता है। वो चाहते थे कि इस तरह का विद्रोह दोबारा ना हो, और विद्रोह ना हो तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम सब लोग परिचित हैं, ये शब्दावली भी बहुत उपयोग में आती है कि डिवाइड एंड रूल। उन्होंने भारतीय समाज में फॉल्ट लाइन्स ढूंढी और डिवाइड एंड रूल के लिए उनका उपयोग करना चाहा। उसमें से 6-7 को मैंने चिन्हित किया है, और भी हो सकती हैं, और उन फॉल्ट लाइन्स के ऊपर काम करना शुरू किया। वो लोग परिश्रम करते थे, उनका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था, और उन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो अलग अलग समुदाय थे उनके बारे में खूब अध्ययन किया, और किस तरह से उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उनका उपयोग करके भारत के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, और जिससे ये लोग कभी इकट्ठे ना हो सके, और इस तरह से उन्होंने कई नैरेटिव एस्टेब्लिश किए, और इसका उपयोग उन्होंने भारतीय समाज को बांटने के लिए किया। और इसलिए जब शीर्षक को बिल्कुल फाइनल करने की बात आई, अंतिम रूप देने की बात आई, तो सोचा कि जब नैरेटिव शब्द का 400 बार कम से कम पुस्तक में प्रयोग हुआ है, और योग और धर्म और अन्य कई शब्द अपनी संस्कृति से अंग्रेजी भाषा में प्रवेश कर गए, तो नैरेटिव को नैरेटिव ही रहने दें और इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और इसलिए आप बिल्कुल ठीक थे जब आपने विमर्श का मायाजाल कहा, वो हमने पहले जब मुद्रित हो रही थी किताब, प्रकाशनाधीन थी, तब ये शीर्षक सोचा था, पर जब तक वो छप के बाहर आई तो इस नए अवतार के अंदर आई। नया अवतार आ गया उसका। वैसे भी विमर्श जो है वह भारी भारतीय परंपरा में सत्य की खोज के लिए किया जाता है, और जो नैरेटिव है वो असत्य को प्रसारित करने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता है, तो ये अंतर तो है निश्चित रूप से। हाँ। वैसे आपकी पुस्तक में लगभग 35 अध्याय हैं, तो आपने कहा कि आपने 6-7 फॉल्ट लाइंस जो हैं उनका चयन करके फिर इसको लिखा है, तो आप इनमें से अधिक महत्वपूर्ण किन फॉल्ट लाइंस को मानते हैं जिनका उल्लेख आपने? इसमें सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वो है हिंदू और सिखों के बीच में विवाद करने का, और वैसे तो सारे ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी विवाद ठीक नहीं है, परंतु ये अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, नैरेटिव सेट करने की एक उनमें कला थी, उसमें अगर मैं उनकी भारी सफलता मानूं, तो वो हिंदू और सिख के बीच में जो आज आप खाई देखते हैं, खालिस्तान के रूप में एक आंदोलन देखते हैं, ये ठीक है कि उसको पाकिस्तान का समर्थन है, ये भी ठीक है कि उसको भारतीय राजनीति में जिन लोगों को सत्ता चाहिए थी, विशेषकर श्री संजय गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका भी समर्थन मिला, पर उसका जो एक वैचारिक अधिष्ठान था, इंटेलेक्चुअल पैराडाइम था, वो अंग्रेजों ने खड़ा किया, और वो एक ऐसा काम करने में सफल हो गए जो लगभग असंभव था। आप हिंदू और सिख, पंजाब के बाहर के लोग ज्यादा नहीं समझते, कई बार कम समझते हैं, मैं पंजाब से हूँ, मेरा जन्म पंजाब का है, हर हिंदू जो है
हर हिंदू, पंजाबी हिंदू, वो अपने आप को सिख भी मानता है, और हर सिख, बहुत पहले की बात नहीं है, 50 वर्ष पहले तक तो अधिकांश, मैं कहूंगा 100% से कुछ ही अंक निकाल दें आप, तो लगभग अपने आप को उतना ही अच्छा हिंदू मानते थे जितना एक साधारण हिंदू मानता था। परंतु जो विश्व वृक्ष अंग्रेजों ने बोया था, उसमें समय लगा, एक ही तरफ का नैरेटिव चलता रहा, सही नैरेटिव सामने आया नहीं, और आज वो विश्व वृक्ष जो है बहुत बड़ा हो गया, उसको पाकिस्तान की तरफ से और जो अन्य शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती हैं उनसे निरंतर वित्त पोषण हो रहा है उसका, उसको खाद और पानी दिया जा रहा है, और वो उसमें तरह तरह के कभी 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 फल भी लगते रहते हैं, और जिनको तोड़ने में, उस वृक्ष को तोड़ने में भारतीय समाज का बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन लगते हैं। मैं इस विषय में थोड़ा और बोलना चाहूंगा। आप में से शायद कुछ लोगों ने 1962 में एक फिल्म बनी थी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। टी लॉरेंस एक ऑफिसर थे जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े, अंग्रेज थे वो, और उनको भेजा गया टर्की में, क्योंकि इंग्लैंड और टर्की का युद्ध चल रहा था, टर्की जर्मनी के साथ था। इन्होंने क्या किया कि जिस क्षेत्र को आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, ये वहां गए, अरब बन गए, अरबों को समझाया कि टर्की आपके ऊपर राज करता है, आपका शोषण करता है, और इस्लाम से जुड़ी जो विरासत है मक्का और मदीना की, उसके आप मालिक हैं, और इसलिए आपको टर्की के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। तो विद्रोह कैसे करें? एक तो उनको इकट्ठा किया। सब लोगों को लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 की बनी फिल्म देखनी चाहिए, उससे ये अंग्रेज कितने धूर्त थे ये समझ में आएगा। और वो वहां पे लॉरेंस पहुंचे, अरब बन गए, अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठा के वहां से ट्रेनिंग और वहां से शस्त्र मंगवाने शुरू किए, टर्की के खिलाफ विद्रोह किया, टर्की को तोड़ दिया, और टर्की उस युद्ध में अंग्रेजों से, ब्रिटेन से हार गया। ये जो दूसरा उपयोग जिसकी बात मैं कह रहा हूं, हिंदू और सिख वाली, ये वो पहले कर चुके थे। क्या किया कि मुसलमानों में तो सर सैयद मिल गए, वो भाषा बोलते थे जो अंग्रेज चाहते थे। वो भाषा ये थी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये अलग अलग नेशनलिटीज हैं। उनका सर सैयद का, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात में नींव भी रखी, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग नेशनलिटीज हैं, और 1888 का उनका बहुत ही प्रसिद्ध भाग। तो सर सैयद ने 1888 के, और उसके बाद वो 10 साल और जिंदा रहे, और उन्होंने पूरी तरह से मुसलमान समाज को समझाने में सफलता प्राप्त की कि अंग्रेज उनके मित्र हैं और कांग्रेस और हिंदू उनके दुश्मन हैं, और इसी से अंतोगत्वा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पर उनके दुर्भाग्य से सिख समाज में कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं उनको। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक उनके ऑफिसर थे मैक्स आर्थर मैकॉलिफ, और क्योंकि जयपुर डायलॉग में उनकी बहुत बार चर्चा हो चुकी है तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, परंतु उनका उपयोग किया। उन्होंने कहा कि मैं तो सिख था, मैं तो सिख हूँ। उन्होंने केश बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, गुरुद्वारे में जाना शुरू किया, और उन्होंने फिर नाभा के प्रधानमंत्री थे, नाभा एक स्टेट थी छोटी सी पंजाब में, उसके प्रधानमंत्री थे कान सिंह नाभा, उनका उपयोग करके 1898 में एक किताब लिखवाई, कोई 20-25 पेज का पंफलेट था वो, जिसमें कहा गया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम से अर्थात सिख, और वहां से ये खालिस्तान का बीज बोया गया। अब जो मैकॉलिफ के समर्थक हैं वो कहते हैं कि वो तो बहुत ही एक योग्य और गुरु के सच्चे सिपाही थे,
परंतु वो इस बात में पलीता तब लग जाता है जब ये ध्यान में आता है कि वो गुरु के कितने अच्छे और सच्चे सिख थे, कि उन्होंने जो सिख मजहब में, पंथ में, सिख पंथ में पांच नकार बताए गए हैं, पांच चीजें ऐसी हैं जो अच्छे सिख को नहीं करनी चाहिए। उनमें से एक गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है कि अच्छे सिख को, सच्चे सिख को तुर्कनी के साथ संगत, दैट मीन्स नो सेक्स विद ए मुस्लिम वुमेन, ये कभी नहीं करना चाहिए। उसके कई कारण थे, मैं उसमें आज नहीं जाऊंगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा। और अभी हाल की खोज में ये सामने आया है कि मैक्स आर्थर मैकॉलिफ का अपनी मुसलमान नौकरानी के साथ संबंध था, उससे तीन बच्चे हुए, और बाद में उस मुसलमान महिला ने जो इनके घर पे काम करती थी, जिनके साथ इनके संबंध थे और जिस संबंध से तीन बच्चे हुए, उसने लाहौर की हाई कोर्ट में इन पे मेंटेनेंस के लिए मुकदमा किया। और अपना काम पूरा करने के बाद ये भारत में नहीं रुके, पंजाब में नहीं रुके, गुरुओं की सेवा के लिए नहीं रुके, ये बहुत बड़ी राशि लेकर इंग्लैंड में चले गए और शायद 1913 या 14 में वहाँ उनका देहांत हुआ। और वो जो एक नैरेटिव बनाया गया, और देखिए वो केवल नैरेटिव नहीं बनाया गया, इन्होंने तो 1898 में वो पंफलेट छापा और उसके बाद छपवाया कहना चाहिए नाभा के प्रधानमंत्री के माध्यम से, और उसके बाद इन्होंने जो सिख स्क्रिप्चर्स थी उनके ऊपर अंग्रेजी में किताबें लिखी। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ उसका, इनकी एक पुस्तक में, इनफैक्ट खुशवंत सिंह ने उसका प्रीफेस लिखा, बाद में छपी है वो, तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो अंग्रेजों का एजेंडा पूरा करने के लिए लिखी गई थी, ये लिखा खुशवंत सिंह ने। और उसमें एक घटना है, और घटना ये है जिसको मैकॉलिफ अपने शब्दों में अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, अर्थात वो एक नैरेटिव बनाते हैं। और वो घटना क्या है कि गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की कैद में है, दिल्ली के लाल किले के पास है या लाल किले में ही कैद है, और औरंगजेब को सूचना मिलती है कि गुरु महाराज जो हैं वो अक्सर पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ देखते रहते हैं, और पश्चिम की तरफ जनाना है जहाँ पे राज परिवार, तबका जो शाही परिवार था, उसकी महिलाएं रहती हैं, और अपने आप को गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक बताते हैं परंतु उनकी नज़र जनाने की तरफ रहती है। ये मैकॉलिफ का वर्षन है। और गुरु औरंगजेब ने बुलाया उनको, गुरु साहब को, और कहा देखिए आप अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं परंतु आपकी नज़र तो हमेशा जनाने की तरफ रहती है। तो मैकॉलिफ के शब्दों में गुरु तेग बहादुर का उत्तर था, मूर्ख मैं जनाने की तरफ नहीं देखता हूँ, ये ठीक है मैं पश्चिम की तरफ देखता हूँ, मैं वेस्ट की तरफ देखता हूँ, परंतु मैं देखता हूँ उस तरफ जहाँ से गोरे लोग, देवता लोग आएंगे और तुम जैसे अत्याचारियों का सर्वनाश करेंगे। और फिर स्वाभाविक रूप से यहाँ तक तो उन्होंने लिखा, और परंतु इसका अर्थ ये निकलता है कि जो अंग्रेज आए हैं वो पश्चिम से आए हैं, वो देवदूत हैं, और वो सिखों को भारत से, मुसलमानों से भारत को मुक्त कराने के लिए आए, ये नैरेटिव सेट किया उन्होंने। और मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये तो एक वार्तालाप है। और भी बहुत सारी चीजें लिखी थी उसने, जिसमें कहा था कि भाई आप जो है वो लॉयल रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तो आपके उस समय तो आपको ध्यान हो कि अरदास हुआ करती थी क्या कि लख लख राज सवाया टोपी वाले दा, इस तरह की तो गोल्डन टेंपल से अरदास हुई है। 1905 वाला कार्यक्रम अंग्रेजों की सहायता से करवाया गया।
और ये एससीपीसी भी अंग्रेजों की सहायता से बनी। मैं ये सारा जो विषय है ये एक नई पुस्तक मेरी आएगी, जल्दी आएगी, उसमें लेने वाला हूँ। इसमें आगे जुड़ा हुआ है कि वहां पे स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी की नियुक्ति जो थी वो अंग्रेज जिलाधिकारी करते थे, और 1902 या 3 तक की बात है, तब तक वहां पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, अर्चना होती थी, कि उसका नाम ही स्वर्ण मंदिर है, हर मंदिर साहब हरि का मंदिर, और हरि के मंदिर में हरि की पूजा ना हो। गुरु ग्रंथ साहब जी में कितनी बार, 2500 से ज्यादा बार राम का नाम है, सैकड़ों बार कृष्ण का नाम है, भगवान को जिन नामों से पुकारा गया है वो लगभग सारे के सारे नाम जो हिंदुओं के अवतार हुए हैं उन्हीं नामों से पुकारा गया है। तो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मुख्य ग्रंथी ने ब्राह्मणों की पूजा सामग्री और ब्राह्मणों को बाहर फेंकवा दिया, ये दूसरा कदम था। फिर 1911 के जनगणना में जब वो कहा गया, इसमें ये भी आता है कि जब वो फेंकवाया गया तो पूरे अमृतसर के सारे सिखों ने मिलकर इसका विरोध किया, तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती हेड ग्रंथी का, जो अकेला था लगभग और सारे सिख भी उसके विरोध में थे, लेकिन उसका समर्थन करके और उसको वैसा का वैसा कायम रखवाया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल उपयुक्त कहा। और देखिए ये एक नैरेटिव है जिसको हमने, मैंने बहुत बार लिखा भी कि हम खालिस्तानियों से तो लड़ते हैं, परंतु जो खालिस्तान की अवधारणा है, उसका वैचारिक अधिष्ठान है, इंटेलेक्चुअल पैराडाइम है, उस पर आक्रमण नहीं करते। मैं खुशवंत सिंह की हिस्ट्री ऑफ सिक्स बहुत अच्छी किताब है, और उसमें एक वाक्य, और मैंने खुशवंत सिंह जी से बात भी की थी तब उनसे उस बारे में, उस वाक्य के बारे में, उन्होंने लिखा महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद कि the only Sikh Maharaja, only Maharaja the Sikhs ever had, unfortunately lived and died like a Hindu. तो मैंने बात की खुशवंत सिंह जी से, मैंने कहा आप सिख की कल्पना, कौन सी कल्पना है आपकी सिख की? आप गुरुओं के सिख की कल्पना करते हैं, जो गुरुओं ने सिख को स्वरूप दिया था, उसका चिंतन दिया था, या उस सिख की कल्पना करते हैं जो बाद में अंग्रेजों के प्रभाव में बने? महाराजा रणजीत सिंह गुरुओं के पद चिन्हों पर चलने वाले, गुरुओं से प्रेरित और गुरु भाव से चलने वाले एक सच्चे सिख थे, और इसलिए वो सिख भी थे और हिंदू भी थे, वो हिंदू भी बहुत अच्छे थे और सिख भी बहुत अच्छे थे, और इसीलिए उन्होंने मरते समय उनके पास सबसे ज्यादा जो कीमती चीज थी वो कोहिनूर का हीरा था, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो जगन्नाथपुरी में चढ़ाया जाए, और इसी तरह से उनकी समाधि लाहौर में है, उसके ऊपर आप देखेंगे गणपति की फोटो आज भी है, उसका चित्र बना हुआ है, उसी तरह से ओम और अन्य सनातन धर्म के चिन्ह उनकी समाधि पे आज भी उपस्थित हैं। स्वर्ण मंदिर और कई गुरुद्वारे जो भारत में हैं, वहां पे रेनोवेशन के नाम पर पिछले 50 साल में जितने भी चिन्ह उनको उनके मूल तत्व हिंदुइज्म के साथ जोड़ते थे उनको हटा दिया गया है, और ये उस नैरेटिव का प्रभाव है, और आज सही नैरेटिव बताने की जरूरत है। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह की मैं चर्चा कर रहा था, उनका वार मैनुअल देखिए आप, वार मैनुअल जो है वो एक बड़ा ओम है उसके ऊपर बहुत सुंदर बना हुआ, और ओम के तीनों चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र हैं। कोई महाराजा रणजीत सिंह का वार मैनुअल देखे, उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपर कवर पेज कहना चाहिए, बहुत बड़ा ओम है, बहुत सुंदर लिखा हुआ, और उसमें तीनों में, उनके तीन चरण में ब्रह्मा विष्णु और महेश का चित्र है। और उस वक्त पंजाब के साधारण हिंदू के जीवन में, सिख के जीवन में गुरुद्वारे का भी उतना महत्व था जितना मंदिर का था, और बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई। और मैं एक और बताऊं आपको, एक मेरा वार्तालाप हुआ था खुशवंत सिंह से,
वो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि सिखिज्म इज क्लोजर टू इस्लाम देन हिंदुइज्म, और उसमें तीन बातें कहीं कि सिख मूर्ति पूजा नहीं करते, मुसलमान भी नहीं करते, सिखों के गुरुद्वारे का ऊपर जो शीर्ष होता है और जो गुंबद होता है और मस्जिद का वो लगभग बराबर होता है, और तीनों एक ही, दोनों एक ही भगवान को मानते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे पंत हिंदुओं में भी हैं। ये मैंने उनको यही कहा जो आपने कहा, यही मैंने उनको कहा, और उसके बाद मैंने उनको एक बात और कही। मैंने कहा सर, मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, मैं सारी कहता था उनको। मैंने कहा सर, मैंने राम सिंह, किशन सिंह, इस तरह के नाम वाले हजारों सिख देखे हैं, पर मोहम्मद सिंह और अल्लाह सिंह नाम का कोई मैंने सिख नहीं देखा आज तक। तो वो भी हंसे बड़ी जोर से, का यू गॉट मी। तो ये जो खालिस्तान का पूरा, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। एक ओंकार की जो बात आती है ना, एक ओंकार की, तो वो जो एक ओंकार है वो, हाँ जी, आपकी पिक्चर फिर गायब हो गई। हाँ, पिक्चर गायब हो गई। हाँ जी जी, वो फोन आता है। तो जो एक ओंकार की जो बात आती है जी, वो मैंने एक बार, मैं देख रहा था इस समय, क्योंकि उस समय काफी चर्चा कर रहे थे इन विषयों पे, तो मैंने मांडूक के उपनिषद में देखा, और उसके बाद फिर प्रोफेसर जगबीर सिंह जी से, आप जानते होंगे उनको, जी जी, तो प्रोफेसर जगबीर सिंह से चर्चा की कि भाई ये एक ओंकार और मांडूक के उपनिषद में जो 12 श्लोक हैं केवल, लेकिन सबसे गूढ़ माना जाता है, और यदि कहते हैं कि एक उपनिषद पढ़ना हो तो मांडूक की पढ़ ले और उसकी कारिका पढ़ ले, तो मांडू के उपनिषद में जो ओम का जो निरूपण है और एक ओंकार का जो निरूपण है वो हूबहू एक जैसा है। और इसकी पुष्टि मैंने प्रोफेसर जगबीर सिंह जी से कराई, जो कि संस्कृत के भी अच्छे स्कॉलर्स हैं, और गुरु ग्रंथ साहब को तो आप जानते हैं, उसको तो बहुत ही बड़े विद्वान है, तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो अब हाँ, तो ये अगर इन सब बातों को आप नैरेटिव जो है, जिसे आप विमर्श भी कहेंगे, उसको ठीक किया जाए, तो स्वाभाविक रूप से ये जो खालिस्तानी रूप से विश्व वृक्ष पैदा होता है बार बार, उसको आप सदा के लिए ध्वस्त कर सकते हैं। अच्छा, एक बात इसमें और कहूंगा, फिर उसके बाद मेरे विचार से कुछ और भी ले लिए जाए जो दूसरे आपके फॉल्ट लाइन है। ये बात जो है वो अक्रॉस पार्टीज जो है ये नहीं समझी जाती है, क्योंकि यदि बीजेपी भी इसको समझती तो फिर जो ये 2016 का इन्होंने एसजीपीसी एक्ट में संशोधन किया है वो नहीं करते, जिसमें उन्होंने सहजधारी। आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। ये पहले सही नैरेटिव जो है उसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, और ये पुस्तक उसी दिशा में एक प्रयास है। आप और फॉल्ट लाइंस कौन सी हैं आपने? मैं बताता हूँ आपको। उदाहरण के लिए एक और फॉल्ट लाइन कि ये जो हिंदू धर्म है ये विकास में बाधक है। अगर आप हिंदू हैं तो आप गरीब रहेंगे, निर्धन रहेंगे, आपकी नीति ही गरीब रहना है। इसकी नींव रखी थी कार्ल मार्क्स ने, उसने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखा 1853-1854 अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में, और उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, भारत के जो सांस्कृतिक वो ढांचा है, अगर भारत को तरक्की करनी है तो उस ढांचे को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना ध्वस्त होगा, समतल होगा, तो उसी के ऊपर एक नए समाज का निर्माण हो सकेगा, और अंग्रेज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उन्होंने जो आर्थिक शोषण है उसको तो उसकी निंदा की, परंतु कल्चरल जेनोसाइड की उन्होंने प्रशंसा की। और उसी बात को आगे चलते लेते हुए हमारे चिंतन में आ गई,
और जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी समाजवादी नीतियों ने एक नए भारत का निर्माण करना शुरू किया जिसमें हर चीज की कमी थी। जो लोग भी मेरे उम्र के होंगे उनको ध्यान में होगा कि 1960, 70, 80 के दशक में दूध के लिए, सीमेंट के लिए, स्टील के लिए, स्कूटर के लिए, कार के लिए, हर चीज के लिए लाइन लगती थी देश की। जी जी जी, हर चीज के। और स्कूटर की बुकिंग तो मुझे भी याद है, 12 साल लगते थे। और आज के टेलीफोन के लिए, बच्चा पैदा होता था लोग टेलीफोन बुक करा देते थे क्योंकि 20 साल का होगा तब तक तो शायद हमारा नंबर आ ही जाएगा। और इतनी बुरी हालत थी। तो 1978 की बात है, प्रोफेसर राजकृष्णा बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उनका बहुत नाम था, तो उनसे किसी ने पूछा और उनका वो बड़ा प्रसिद्ध बयान है, वक्तव्य है, उनसे पूछा कि भारत तो समाजवादी नीतियों का अनुसरण कर रहा है और उसके बाद देश में हर चीज की कमी है, जमाखोरी है और कमी है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, वेल दिस इज इंडियाज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? अरे भाई, आपके जो पुनर्जन्म के कर्म के ये सारे संस्कार हैं उसके कारण आप लोग तो गरीब रहने वाले हैं, हमेशा से ही गरीब रहे हैं और इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये 1978 की बात है और हम लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। और ये जो हमारे यहाँ एक हिंदू परंपराओं पे, संस्कारों पे तरह तरह के आघात होते रहे, उसका जस्टिफिकेशन ये होता था कि इसी की वजह से तो हम गरीब हैं, इसी की वजह से तो हमारी ये हालत है। परंतु इन सब के पीछे क्या हुआ कि बाद में दो स्टडीज आई, दोनों का मैं जिक्र करता हूँ। ये 1978 में तो ये इन्होंने कहा था प्रोफेसर राजकृष्णा ने, परंतु उसके बाद एक स्टडी आई 1983 में और वो पॉल बैरोज करके एक अर्थशास्त्री थे, बेल्जियम के थे, और ये स्टडी कमीशन की थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट, और उन्होंने ये प्रमाणित किया तथ्यों के साथ कि 1750 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी और चीन की 33% थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों की मिलाकर मुश्किल से 2% थी। अब इन्होंने कहा भाई ये तो एक अपवाद हो गया, पता नहीं ये कहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया। और एक दूसरी स्टडी कमीशन की जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में, ये 2001 की स्टडी है और उसमें इंग्लैंड के अंगस मेडिसन करके अर्थशास्त्री को काम दिया गया कि पूरी विश्व की आप अर्थव्यवस्था देखिए और बताइए कि क्या क्या हुआ। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव नाम से एक शोध प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि 15वीं-16वीं शताब्दी तक, जब तक भारत में हिंदुत्व का असर था, तब तक इंडिया वॉज टॉप इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फॉलोड बाय चाइना, और उसके बाद ह्रास होना शुरू हुआ। और आप अगर इस बात को देखें तो आप पाएंगे कि अभी भी ये बात सही है, क्योंकि जैसे कहना चाहिए 1947 से लेकर 2007, 60 साल में इंडिया की इकोनॉमी का साइज हुआ $1 trillion। अगले 7 साल में 1 trillion तक पहुंचने में लगे 60 years। अगले 7 साल में 2007 से 2014 तक हमने 7 साल में 1 trillion और ऐड कर लिया, और उसके बाद अगले 5 साल में $3 trillion और कर लिया, और फिर अगले 4 साल में लगभग 1 trillion और ऐड हो गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो लगभग $4 trillion हो चुका है और उम्मीद है कि इसी तरह बढ़ते रहे तो हर 2 साल में हम लोग 1 trillion
डॉलर ऐड करते जाएंगे। और इसी बीच में 2014 से जब ये विकास शुरू हुआ तो राम मंदिर भी बन गया, काशी में भी हो गया, कश्मीर में भी हो गया, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है ये भी सोचने का विषय है। और 2014 में मंदिरों के ऊपर से सरकारी कब्जा हटना बाकी है वैसे भी, वो ठीक बात है, बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं, और एक दो काम बाकी नहीं है ये। और आप देखिए अर्थव्यवस्था में 2014 में हमारी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का आकार और साइज 10वां था, और 2023 तक हम 10वें पायदान से 5वें पायदान तक पहुंच गए। वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इंग्लैंड जिसने हम पे राज किया था वो हम उसको पीछे छोड़ाए हैं, वी आर 5th, इंग्लैंड इज टुडे 6th। और प्रधानमंत्री जी ने तो अभी बहुत ही आशाजनक चित्र खींचा कि अगले 5 साल में मौका मिलेगा तो हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और जी हाँ, वो तो SBI की इको रैप में भी आ गया कि 2027 तक ही हो जाएगा 5 ट्रिलियन हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ये जो नैरेटिव सेट किया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, चूंकि आप हिंदू हैं इसलिए आपका विकास हो ही नहीं सकता, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और भाई ये जो आप बताते हो कि ये तो आप तो गरीब हो, और एक स्टडी और आई थी पीछे कि कई 100 साल से हिंदुओं को प्रॉपर, भारत के लोगों को हिंदू शब्द नहीं था उसमें, खाने को नहीं मिला सही तरीके से, तो इसलिए माल न्यूट्रिशन है। भैया अगर ऐसा था तो कौन सा देश था जो सोने की चिड़िया कहलाता था, कौन सा देश था जिसकी संपत्ति लूटने के लिए सन 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसी गरीब देश को लूटने के लिए आते हैं, लूटा तो उसी को बताता है जिसके पास कुछ होता है। और ये कई उदाहरण है कि जिसमें ये समझ में आता है कि ये नैरेटिव हमको निरुत्साहित करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए स्थापित किए गए कि आप कभी ना कुछ थे ना कभी कुछ हो सकते हैं, परंतु हाल की घटनाओं ने उन नैरेटिव को ध्वस्त किया है। और इस पुस्तक में नैरेटिव का माया जाल में इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की गई है, तथ्य पर आधारित है, तर्कों पर आधारित है। जी 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 बिल्कुल। तो एक और ले लेते हैं, कोई फॉल्ट लाइन जरूर ले लेते हैं। कहा जाता है देखिए अभी राहुल जी ने पीछे 2 बयान दिए जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। एक तो उन्होंने बयान दिया कहां पर, गुजरात में चुनाव था तो वो 3 विधानसभा के स्थानों पर गए, और वो आदिवासी, जिसको आदिवासी कहा जाता है संविधान में जनजाति कहा जाता है, और मैं तो उनको वनवासी मानता हूँ। तो 3 टर्मिनोलॉजी हैं, एक संविधान में जनजाति, एक अंग्रेजों की दी हुई है आदिवासी जिसका राहुल गांधी उपयोग करते हैं, और मैं मानता हूँ कि वो वनवासी है। तो ये गए और भाषण देते हुए कहा कि मेरी दादी बताती थी कि आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं। अगर वो असली मालिक हैं तो हम लोग कौन हैं? ये जो बाकी इतना बड़ा विशाल भूभाग है, वही वो आर्यन द्रविड़ियन वाला जो है वो ले वही 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 तो हम लोग कौन हैं? और वो थ्योरी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जयपुर डायलॉग्स की तरफ से 2,11,00,000 रुपए का इनाम पिछले 3 साल से इंस्टीट्यूट किया हुआ है कि कोई भी आके आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सिद्ध कर दे उसको इतना इनाम मिलेगा। अलग अलग लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करके कहा कि भाई कोई आए सिद्ध तो करे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक डॉगमा है जिसको कभी सिद्ध नहीं किया गया, बस कह दिया साहब के कुछ लोगों ने कह दिया। यही नैरेटिव की महिमा है। यही जो मैंने इशारे पे कहा कि नैरेटिव नाम का कंसेप्ट भारत में कभी नहीं रहा। हम लोग साचो बोलते हैं जब मानते हैं ये झूठ है, पर ये झूठ को इस तरह से
वर्क लगाकर सामने परोसते हैं कि अगला सच मान के उसको खा लेता है, पी लेता है उसको, और प्रश्न भी नहीं पूछता और मर जाता है। तो मैं ये राहुल गांधी की चर्चा कर रहा था, हमारे यहाँ कभी भी सांस्कृतिक रूप से देश में नगरवासी वनवासी ग्रामवासी में भेद नहीं रहा। जो वन में रहता था वो वनवासी था, जो नगर में रहता था वो नगरवासी था, जो ग्राम में रहता था वो ग्रामवासी था। रहने की जगह में फर्क था, ऊपर समाज एक था, संस्कृति एक थी। मैं पूछता हूँ राहुल जी से कि रामचंद्र जी और उनके तीनों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? चारों के चारों भाई वन में पढ़ने के लिए गए। कृष्ण, बलराम और सुधामा अपनी हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आजकल लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं या कैम्ब्रिज में जाते हैं, वार्टन जाते हैं, तो इस तरह से ये भाई भी वन में ऋषियों के संपर्क में आने जी सांदीपनि आश्रम गए थे, सांदीपनि आश्रम में। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, ये कोई अयोध्या में बैठकर नहीं हुई, इनकी रचना वनों में हुई। तो आवर फॉरेस्ट, जिसको आप फॉरेस्ट कहते हैं, देवर सेंटर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, देवर सेंटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, और वो कोई सामाजिक रूप से कटे हुए नहीं थे। राजा अयोध्या में रहता था, राजा मथुरा में रहता था, राजा किसी भी नगर में रहता था, उसका जो गुरु था, जिसके वो झुककर चरण छूता था, जिसका वो सम्मान करता था, वो वन में रहता था। और आप रामायण, वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, आप तुलसी रामायण देख लीजिए, दोनों के अंदर पाएंगे कि ये जो जाति पर चलता है विवाद, विमर्श, नैरेटिव, राम क्या कहते हैं जब शबरी को मिलते हैं? राम क्या कहते हैं? शबरी कहती है, मैं अशिक्षित हूं, मेरा कोई उच्च कुल नहीं है, मैं जंगल की रहने वाली हूं, मैं स्त्री हूं, और मैं किसी भी तरह से आपके स्नेह के अधिकारी नहीं हूं, ना मेरे पास पैसा है, धन है, ना मेरी कुल है, ना मेरे पास शिक्षा है। तो राम कहते हैं उसको, मेरे पास वो एग्जैक्ट श्लोक और जिसे कहना चाहिए रामायण की चौपाई अभी नहीं है, वो कहते हैं कि शबरी, मेरे लिए इस बात का महत्व नहीं है कि कौन किस कुल में पैदा हुआ, किसके पास कितना पैसा है, किसका कितना विद्वान है, भाव और चरित्र ही मेरे लिए महत्व रखते हैं, और इसलिए भगवान शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। आप उसकी तुलना करिए रावण से, रावण बहुत उच्च कुल से है, ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता है, शिव का भगत है, सोने की लंका में रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत धनी है, कुबेर तक को उसने बंदी बना के रखा है, लंका सोने की है, परंतु शबरी को सम्मान मिलता है, जटायु को सम्मान मिलता है, केवट को सम्मान मिलता है, वो सारे के सारे ना धनी है, ना बहुत उनके पास शिक्षा है, ना ही उनके पास कोई डिग्री है, केर को भी उसने बंदी बना के रखा था, परंतु सोने की लंका जला दी जाती है, रावण का वध किया जाता है, उसके परिवार के अन्य लोगों को भी मार दिया जाता है, उनकी ऊंची जाति नहीं देखी जाती, उनका धन नहीं देखा जाता, उन्होंने कितने वेद पढ़े थे इसकी चिंता नहीं की जाती, वो सब का विनाश इसलिए होता है क्योंकि वो अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, और इसलिए प्रभु उनका वध करते हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा ये रही कि आपके कर्म निर्णय करते हैं कि आपके साथ क्या व्यवहार होगा, आप कितने धनी मानी हैं, आप कितने सत्तावान हैं, आपके पास शिक्षा कितनी है, डिग्रियां कितनी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण हमारी परंपरा में मिल जाएंगे, परंतु
अब नैरेटिव ये बना दिया गया कि हिंदू धर्म में एक तो हिंदू धर्म का ना ही अपने आप में विरोधाभास, वो अलग विषय है बिल्कुल ही, और यहाँ तो शोषण है, यहाँ तो जाति के नाम पर शोषण करने की एक लंबी परंपरा है और उसका एक विचारिक अधिष्ठान है, तो परंतु वो मूल के साथ नहीं जुड़ता और हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं, तो ये इस नैरेटिव को भी तोड़ने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए भी एक इनाम घोषित कर रखा है सर। जी जी, कहे कि कोई भी भारतीय परंपरा से, भारतीय शास्त्रों से ये सिद्ध करके बता दे जी, कि वर्ण जो था वो जन्म आधारित था, तो उस पे 6 लाख रुपए का इनाम है। अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। अच्छा, ये हनुमान जी को आपकी सहायता से ये राशि हम और बढ़ा सकते हैं। अरे इस चीज को भी 2 वर्ष से ऊपर हो। तो मेरे ख्याल विषय पूरा हो गया हो तो अभी फिर समाप्त। जी हाँ, बस अंत में मैं ये पूछूंगा कि आपने अंत में इसमें जो है वैद्य गुरुदत्त जी के बारे में 2 अध्याय लिखे हैं, इसकी इसकी क्या महत्ता है? हाँ, ऐसा है कि मेरा जन्म आजादी के 2 वर्ष बाद 1949 में पंजाब में, जो भारत का अभी भी हिस्सा है, गुरदासपुर जिले में हुआ था जी। मेरा प्रारंभिक जीवन जो था वो मेरे दादा के सानिध्य में, मेरे पिताजी के सानिध्य में बीता। वो पेशे से डॉक्टर थे पर बहुत विद्वान थे, वो करीब 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, फारसी और पंजाबी, और उनसे मेरे को बचपन में बहुत कुछ अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिला। अब वो बताते थे महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा सिंह बहादुर की कहानियां, वो बताते थे भारत कितना वैभवशाली था, पर मैं ये भी देखता था कि उनका जो चिकित्सालय था, सरकारी डिस्पेंसरी थी, वहां से वहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से स्किम्ड मिल्क के, सूखे दूध के बोरियां आता था वो, और एक सरकार की योजना थी उन दोनों में, और उसको पानी में मिलाकर उबाला जाता था और सवेरे सवेरे गांव देहात में 200-300 लोगों की पंक्ति लग जाती थी उस दूध का गिलास लेने के लिए जो स्किम्ड होता था, जिसमें से क्रीम निकाली होती थी, और मैं अपने चारों तरफ निपट गरीबी देखता था, निपट गरीबी। जब मेरे को ये बताया जाता था कि महाराणा प्रताप कितने बहादुर थे, बंदा सिंह बहादुर की कहानियां और अन्य कहानियां, पर यह भी समझ में आता था कि करीब 800 साल मुसलमान हम पे पूरी तरह राज तो नहीं कर पाए, उनके साथ संघर्ष होता रहा, परंतु आज उस सांस्कृतिक भारत के 2 बड़े हिस्सों पर इस्लाम का वर्चस्व है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों भारत के हिस्से हैं, इस्लाम का उनके ऊपर कब्जा है, तो ये बात भी मेरे को कटोती थी। और इन प्रश्नों का उत्तर जो जो मैं बड़ा होता गया तो मुझे खोजने की इच्छा होती थी, और तब मैंने वैदिक गुरुदत्त के उपन्यास पढ़ने शुरू किए। मैं दिल्ली में आ गया था, मेरे माता पिता दिल्ली रहते थे और रजौरी गार्डन में हम लोग रहते थे, तो वहां पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की वैन आती थी, ये मैं 6ठी क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास 9वीं 10वीं उन वर्षों की बात कर रहा हूँ, और मैं पंक्ति में खड़ा होकर हर हफ्ते 1 या 2 किताबें वहाँ से उधार लेता था, और उसमें मेरे को वैद्य गुरुदत्त जी का पूरा साहित्य पढ़ने का मौका मिला। और आप समझ लीजिए कि 10 से लेकर 15-16 साल की उम्र तक ये मेरा जिसे कहना कि ये विचार यात्रा थी, वो वैद्य गुरुदत्त के उस उपन्यासों की, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों को पढ़ने से बनी। और एक संयोग की बात थी कि मैं रजौरी गार्डन में रहता था, वैद्य थे वो पंजाबी बाग में रहते थे और करीब 3 किलोमीटर दूर, मैं साइकिल पे उनसे मिलने चला जाता था, और ये मैं उनकी महानता मानता हूँ, शायद 70-75 साल के रहे होंगे उस समय, और एक ऋषि तुल्य लगते थे,
और ये 17-16 साल का लड़का, मैं सोच सकता हूँ कि मेरी अकल कितनी कम रही होगी उस वक्त, उसको सहन करते थे और बैठने देते थे, एक किताब भी पढ़ने को देते थे, और मेरे मन में कोई पिछली किताबों को पढ़ के जो कोई प्रश्न आए होते थे उनका समाधान भी कर देते थे। तो उनको पढ़कर और उनसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं अपने पहले गुरु तो मानता हूँ अपने दादाजी को, डॉक्टर जयाजल पुन था उनका नाम, और दूसरा गुरु मानता हूँ वैद्य गुरु दत्त को, क्योंकि उनके उपन्यास और नॉन फिक्शन दोनों को मैंने पूरा पढ़ा, उनसे बातचीत भी की और बहुत सारे प्रश्नों का, क्योंकि उन दोनों तो नेहरूवाद का जमाना था तो वही माना जाता था ठीक जो उस संदर्भ में ठीक था, परंतु वैद्य से मुझे वैकल्पिक रूप से तथ्यों पर आधारित, तर्कों पर आधारित समझने और सीखने का, इतिहास को, संस्कृति को, भारत को मौका मिला। इसलिए उनके ऊपर एक गुरुदक्षिणा के रूप में, और ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि फिल्म मेकर गुरुदत्त को तो लोग पहचानते हैं, जानते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर वैद्य गुरुदत्त को कोई नहीं जानता, और नई व्यवस्था में भी उनको जो पहचान मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी गुरुदक्षिणा है वैद्य के नाम। जी जी, उनकी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं, बचपन में पढ़ी हैं, क्योंकि मेरी माता जी को गुरुदत्त जी की पुस्तकें वो लाती थी, वो पढ़ती थी, तो उस समय मैंने भी पढ़ी हुई है। नहीं, एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने शिक्षित करने का काम किया, पूरी एक पीढ़ी को, जो लोग भी हिंदी भाषी थे उन लोगों में थे, जिन लोगों की रुचि थी इस विषय में, उनको एक नया, उनके चिंतन को नया आयाम देने का काम वैद्य ने किया, और उनका कंट्रीब्यूशन जो था, उनका योगदान जो है भारतीय चिंतन में बुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आइए इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को एक बार पुनः है मैं स्मरण करा दूं कि हम चर्चा कर रहे थे बलवीर पुंज जी की पुस्तक नैरेटिव का मायाजाल, और ये पुस्तक मैं पुस्तक दोबारा दिखा दूं। जी हाँ, ये अभी तो प्रभात प्रकाशन के पास उपलब्ध है, और अगले 2-3 दिन में ये अमेजोन और बाकी जो इस तरह के रहते हैं ऑनलाइन, उन पर भी उपलब्ध हो जानी चाहिए, व्यवस्था हो रही जी। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रासंगिक, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि विचारोत्तेजक पुस्तक है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इसे अवश्य क्रय करें और इसे पढ़ें। इसी के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। मैं बलवीर पुंज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।